हेलो यूकेजी क्लास बेटा, हमने लास्ट वीडियो में इंग्लिश में कर्सिव तो हम कर चुके थे। कर्सिव स्मॉल हमने किया था, हम कर्सिव कैपिटल स्टार्ट की थी हमने, जिसमें मैंने ए और बी लिखवाया था। ठीक है, एक बार वापस हम रिवाइज कर लेते हैं। थ्री नंबर पेंसिल पे, थ्री नंबर लाइन पे हमने पेंसिल रखी है, ए लिखा था हमने और इस तरीके से हमने बी लिखा था। ओके, आज मैं आपको बता रही हूँ सी। सी देखिए कैसे लिखते हैं। टू नंबर लाइन पे आपको पेंसिल रखनी है, ऐसे लेकर जाना है, ऐसे लेकर जाना है, ऐसे लेकर जाना है और ये सी। ये क्या लिखा है मैंने, सी। वापस देखेंगे, टू नंबर पे हमने पेंसिल रखी है, ऐसे लेकर जाएंगे हम, ऐसे पूरा यहाँ तक सर्कल घुमाएंगे और ये सी, दैट इज़ कॉल्ड सी। अगेन टू नंबर पे पेंसिल रखी, ऐसे हमने कर्व लगाया, हम ऐसे आए और ऐसे सी। ओके, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको पूरी एक लाइन सी की लिखनी है ऐसे, ये देखो मैंने सी लिखा है। ओके बेटा, वन लाइन में फोर लिखेंगे आप इस तरीके से, ये देखो वन लाइन में आपको फोर सी लिखने हैं, वन टू थ्री फोर, और पूरा पेज आपको इसके नीचे इसके नीचे इस तरीके से पूरा पेज आपको कंप्लीट करना है सी का। अब मैं आपको बताती हूँ हाउ टू राइट डी। अब देखो डी कैसे लिखते हैं, पहले हमने ऐसे लाइन ड्रॉ करी, फिर ऐसे लेके गए, ऐसे लेके गए, ये हमारा हुआ डी। वापस देखेंगे स्ट्रेट लाइन, यहाँ से हमने एक नोड लगा के ऐसे राउंड लेके गए ऐसे डी। वापस देखेंगे हम ध्यान से, स्ट्रेट लाइन नोड ऐसे लेके गए पेंसिल को, ये हमारा हुआ डी। रिपीट अगेन, स्ट्रेट लाइन वन नोड कर्व एंड ये हमारा हुआ डी। वन मोर, ये हमारा हुआ डी। तो सी और डी। ओके, अब मैं आपको बता रही हूँ ई। डी का भी आपको इसी तरीके से पूरा पेज लिखना है, ये देखो ये हमारे डी है, वन टू थ्री फोर फाइव, वन पेज में फाइव बार आपको डी लिखना है, इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे इस तरीके से। समझ में आ गया, ये हमारा हुआ डी। डी के बाद हम आ जाते हैं ई। आज मैं सी डी ई तीनों चीज़ करा रही हूँ। ये देखो टू नंबर पे पेंसिल रखी, ऐसे ऐसे, ये हमारा हुआ ई। वापस देखेंगे ये छः से छतरी हम लिखते हैं ना, उसको वैसे उस तरीके से लिखना है। वापस देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, टू नंबर पे पेंसिल रखिए, ये नोड, ये और ये हुआ ई फॉर एलिफेंट, लाइक दिस। ओके, तो आपको ये पूरा पेज ई का भी करना है, यानी आज आपको इंग्लिश में थ्री पेजेस वर्क करना है, सी करना है, डी करना है और ई करना है। उसके अलावा एक पेज और दे रही हूँ मैं आपको, अब क्या दे रही हूँ वो देखेंगे हम। ए बी सी डी और ये हमारा ई। ये हमारे फाइव अल्फाबेट्स हो चुके हैं, ये पांचों का एक पेज करना है, यानी सी का वन पेज करना है, डी का वन पेज करना है, ई का वन पेज करना है और एक पेज जो करना है हमें ए बी सी डी ई, ये पूरा करना है। अंडरस्टूड? तो इंग्लिश में आज आपको इतना करना है। अब हम आ जाते हैं मैथ्स पर।